नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम अपने चैनल देसी आयुर्वेदिक नुस्खे पर आज आपके लिए पोस्ता दाना से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों कुछ लोगों ने खूब कला और पोस्ता दाना को एक जैसा समझने का प्रयास किया, परंतु यहाँ पर हम आपको बता दें खूब कला और पोस्ता दाना दो अलग अलग चीजें होती हैं। दोस्तों पोस्त या पोस्ता फूल देने वाला एक पौधा है जो पॉपी कुल का है। पोस्त भूमध्य सागर प्रदेश का देशज माना जाता है। यहाँ से इसका प्रचार प्रसार सब ओर हुआ। इसकी खेती भारत, चीन, एशिया माइनर, तुर्की आदि देशों में मुख्यतया होती है। भारत में पोस्ते की फसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में बोई जाती है। पोस्त की खेती एवं व्यापार करने के लिए सरकार के आबकारी विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। पोस्ते के पौधे से अहिफेन यानी अफीम निकलती है जो नशीली होती है। दोस्तों पोस्ते का पौधा लगभग 60 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसके फूल सफेद, लाल, बैंगनी और पीले रंगों के होते हैं। दोस्तों अफीम वाले पोस्ते के फूल लाल और बहुत हल्के बैंगनी रंग के यह सफेद होते हैं। फल जिसे डोडा कहते हैं चिकना और अंडाकार होता है। पोस्ते की दूसरी जातियों को जिन्हें फूलों के लिए लगाया जाता है सरली पोपीज कहते हैं। पोस्त मुख्यतया अफीम के लिए बोया जाता है। कच्चे डोडे पर तेज चाकू से धारियां बनाने पर एक प्रकार का दूध निकलता है जो सूख कर गाढ़ा होने पर खुरच लिया जाता है, यही अफीम है। पोस्त के सूखे फल के छिलके को डोडा कहते हैं, जिसे पानी में भिगोकर शेष रहे अफीम के निर्यास को घोलकर निकाल लिया जाता है। इसमें से मॉर्फीन और कोडीन निकाले जाते हैं जो दवाइयों में काम आते हैं। अफीम में साधारणतया 8-13% मॉर्फीन होता है, अधिक से अधिक 22.8%। एक एकड़ भूमि से लगभग 25 सेर अफीम निकल आती है। बहुत से देशों में पोस्त की खेती उसके बीजों के लिए जिन्हें खसखस या पोस्त दाना कहते हैं के लिए की जाती है। बीज सफेद या काले रंग के होते हैं। इनमें तेल की मात्रा 40-60% तक होती है। तेल खाद्य सामग्री में काम आता है। बीज मिठाई, ठंडाई आदि बनाने में उपयोगी है। खसखस में नशीला पदार्थ नहीं होता। यह औषधि युक्त भी मानी गई है और अपने पौष्टिक गुणों के कारण खसखस लोकप्रिय है। गढ़वाल जिले में पोस्त के हरे पत्तों से सब्जी भी बनाई जाती है। पोस्त के फल के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं जिन्हें खसखस के नाम से जाना जाता है। ये बीज मसालों एवं मिठाइयों में प्रयुक्त होते हैं। खसखस में अफीम की तरह नशा नहीं होता है। मित्रों खसखस का इस्तेमाल सब्जी की ग्रेवी और सर्दी के दिनों में स्वादिष्ट हलवा या मिठाई बनाने के लिए किया जाता है। यह स्वाद और सेहत से भरपूर है, इसलिए स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार करने के लिए भी इसे दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं अपने इस वीडियो के में खसखस के कुछ बेहतरीन गुण। परंतु मित्रों यदि आपने हमारे चैनल देसी आयुर्वेदिक नुस्खे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में भी आप हमसे जुड़े रहें। इसके साथ ही मित्रों यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक
लगे तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। मित्रों, खसखस को दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें पाया जाने वाला ओपियम एल्कलाइड्स सभी प्रकार के दर्द को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खास तौर से इसका प्रयोग मांसपेशियों के दर्द में किया जाता है। खसखस का तेल भी बाजार में उपलब्ध होता है जिसका प्रयोग दर्द वाले स्थान पर किया जाता है। मित्रों, सांस संबंधी तकलीफ होने पर भी खसखस काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही यह खांसी को कम कर सांस संबंधी समस्याओं में लंबे समय तक आराम दिलाने में भी मदद करता है। दोस्तों, अगर आप नींद न आने की समस्या से परेशान हैं तो सोने से पहले खसखस का गर्म दूध पीना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। यह अनिद्रा की समस्या को दूर करता है, यह आपको नींद के लिए भी प्रेरित करता है। मित्रों, खसखस फाइबर का बेहतरीन स्रोत है जिसका प्रयोग करने से कब्ज की समस्या नहीं होती। इसके अलावा यह बेहतर पाचन में भी मदद करता है और शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। दोस्तों, गुर्दे की पथरी में इलाज के तौर पर भी खसखस का सेवन किया जाता है। इसमें पाया जाने वाला ऑक्सलेट्स शरीर में मौजूद अतिरिक्त कैल्शियम का अवशोषण कर गुर्दे में पथरी बनने से रोकता है। दोस्तों, खसखस मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने के साथ साथ त्वचा पर होने वाली झुर्रियों को भी कम करने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो आपको जवां बनाए रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, खसखस त्वचा को नमी प्रदान करने में भी सहायक होता है। यह त्वचा की जलन व खुजली को कम करने के साथ ही एक्जिमा जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद करता है। दोस्तों, ओमेगा 6 फैटी एसिड प्रोटीन फाइबर से भरपूर होने के साथ ही खसखस में फाइटोकेमिकल्स विटामिन बी थायमिन कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो पोषण के लिहाज से बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, त्वचा को खूबसूरत बनाने के लिए खसखस का इस्तेमाल दूध में पीसकर फेस पैक के रूप में किया जाता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करने के साथ ही प्राकृतिक चमक लाता है और चेहरा दमक जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कई तरह की छोटी छोटी समस्याओं जैसे अधिक प्यास लगना, बुखार, सूजन या पेट में होने वाली जलन से राहत पाने के लिए भी खसखस का प्रयोग किया जाता है। यह पेट में बढ़ने वाली गर्मी को भी शांत करने में सहायक है। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायक महसूस हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। धन्यवाद।